खबर दरभंगा से है, जहां मनीगाछी और पाटी प्रखंड पर तीसरे चरण का नामांकन जारी है, जहां पर भारी संख्या में प्रत्याशी नामांकन कराने पहुंच रहे हैं। और इसी बीच माइक पर वीडियो साहब कंट्रोल रूम से सारी व्यवस्था को कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ी तो वो अपना आपा को बैठे और माइक पर ही गालियां देते हुए बोलने लगे कि जूते से मारेंगे साले। जब भीड़ नहीं समझती तो वीडियो साहब इसे भी बत्ती गाली दिए, जो माइक की आवाज से वीडियो में आपको साफ सुनाई दे रहा है। ये जो माइक पर बोलते हुए कंट्रोल रूम से वीडियो साहब का है, कहीं न कहीं भीड़ की काफी ज्यादा उम्मीद थी। और नामांकन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है, जिस कर्म उम्मीदवार के साथ दो प्रस्तावक ही अंदर आने की अनुमति है। लेकिन पंचायत चुनाव ही सही, लेकिन यह भी एक चुनाव पर्व है, क्योंकि देश और समाज और गांव के लिए हित में होता है, जो समय पर होना भी चाहिए। साथ में कोविड-19 का पालन भी हम सभी को करना अनिवार्य है। लेकिन एक जनता के सेवक प्रखंड पदाधिकारी का इस तरह से माइक सरेआम दुर्व्यवहार करना कहीं शिक्षित वर्ग के साथ इस पद की गरिमा को भी सही संदेश समाज में नहीं जाता है। इन सभी चीजों को समझना चाहिए। R9 भारत के लिए सुमित झा की रिपोर्ट, दरभंगा।